आज मैं बना रही हूँ भरवा बैंगन। अगर आपको भरवा बैंगन खाना पसंद है तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर देखिए, फिर वीडियो को एंड तक देखिए। मैंने ले लिया है 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच राई पाउडर, मस्टर्ड सीड मस्टर्ड पाउडर। फिर मैं ले रही हूँ 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें डाल रही हूँ मैं आधी छोटी चम्मच काली मिर्च, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर और नमक 1 चम्मच। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हैं। फिर इसे अच्छे से मिला लीजिए पानी डालकर, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। ये देखिए इस तरह से इसे मिला लेना है, इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाना है, फाइन पेस्ट। आपके पास अगर राई का पेस्ट नहीं है तो आप उसे मिक्सी में पीस सकते हैं। ये देखिए मैंने बैंगन ले लिया है, इस तरह से बैंगन में कट लगा देना है, हमें चेक कर लेना है अच्छे से। अब इसमें मसाले को अच्छी तरह से लगा लेना है अंदर तक। ये देखिए इस तरह से मसाले लगाना है इसमें, सभी कटे हुए बैंगन में इसी तरह से मसालों को अच्छी तरह से लगा देना है, अंदर तक भर देना है मसालों को। इस तरह से भरवा बैंगन बहुत स्वादिष्ट बनता है। आप इसे एक बार ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए इस तरह से मैंने मसाले लगा लिया है। अब एक कढ़ाई में सरसों का तेल गरम कर लीजिए, तेल को अच्छे तरह से गरम करना है। ये देखिए जब इस तरह से धुआं आने लग जाए इस कढ़ाई में से, तब डालना है इसमें बैंगन डाल देना है। आप एक एक करके डाल दीजिए सारे बैंगन। ये देखिए इस तरह से गैस की फ्लेम को स्लो कर दीजिए और इसे 4-5 मिनट के लिए ढककर पकाना है। चेक कर लीजिए इसे, अब इसे पलट देते हैं। ये देखिए इस तरह से पलट लेना है इसे और 4-5 मिनट के लिए हमें इसे दोबारा ढककर पकाना है। गैस की फ्लेम को स्लो ही रखिए। ये देखिए भरवा बैंगन पक गया है, इसे पलट लेते हैं। पलट पलट के इसे अच्छी तरह से पका लीजिए। देखिए ये पक चुका है। आप इसे रोटी या पराठे के साथ सर्व कीजिए। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।